सुबह भी गए थे, अभी भी मिल के आए हैं भाई से। एंड आपको मैं बता दूं यार, चीज़ें मुश्किल लग रही हैं और हैं भी सही यहाँ पे। हम सोच के आए थे कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा और हम निकल आएंगे, बट डे बाय डे ऐसा लग रहा है, डे बाय डे क्या कल ही आए हैं पाजी, और आज बहुत सारी चीज़ें समझ आने लग गई हैं। सो ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया है, अभी फिलहाल 72 आवर्स के लिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में आईसीयू में हैं पाजी हमारे, तो 72 आवर्स के बाद आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देख लिया है, बिकॉज मेरा आज कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं था, ठीक है। बट जो मतलब मैं सीन देख रहा हूँ कि यूट्यूब में क्या चल रहा है, कि लाइक मतलब जो आप इफ़ आप लोगों को ये चीज़ का अपडेट नहीं है तो आप लोग को बोल देता हूँ कि लाइक बहुत बड़ा एक यूट्यूबर है जत प्रभजोत बोल के, दिल्ली से है, तो भैया का वीडियो में बहुत बहुत पुराना सब्सक्राइबर था, मतलब अभी तक हूँ जो वीडियो देखता हूँ। सो जत प्रभजोत भाई मतलब नेपाल जा रहे थे, सो क्या हो गया उन लोगों को, एक एक्सीडेंट हो गया था, और वो थे एक H2 पे, निंजा H2 पे। जब वहाँ गाड़ी से निकालने से पहले मॉर्फिन देना। मॉर्फिन? मैं मर जाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा, अंदर खून जम गया शायद। सो बात क्या है, मुझे ये वीडियो बनाने का ज़रूरत क्यों आ पड़ा, बिकॉज बहुत लोग फॉलो भी करते हैं और बहुत लोगों को पता भी है कि लाइक जत प्रभजोत जी का एक्सीडेंट हो गया था। बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक चीज़ के लिए, कि एक जो अवेयरनेस है, और जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप बाइक चलाते हो इतना फास्ट, बाइक चलाते हो एक्सीडेंट होगा, ये सब मतलब बुरा बुरा बात सब लोग बोल रहे हैं, बट वो चीज़ नहीं है। बिकॉज मैं भी ये बाइकिंग कम्युनिटी में हूँ और ये बाइकिंग करता हूँ, सो वो चीज़ देखिए, एक एक्सीडेंट कभी किसी को प्लान करके नहीं आता है, और जो जैसा है वो एक्सीडेंट हुआ, ये सब तो आप लोग बोल भी नहीं सकते कि कुछ मतलब किसका मतलब फॉल्ट है, बिकॉज आप लोग को भी मतलब पता नहीं है कि लाइक किसका उस मतलब एग्जैक्टली सिचुएशन क्या हुआ था, बिकॉज आप लोग भी अल्टीमेटली वो चीज़ यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है। सो ये एक चीज़ आपको जानने के बाद ही आपको कमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज ये एक सिचुएशन है कि लाइफ डेथ का एक सिचुएशन है इधर। बिकॉज क्या हो रहा है कि लाइक अभी बहुतों को, बिकॉज हम भी बाइक चलाते हैं, और ऐसे न्यूज़ जब आता है, ऐसा कुछ न्यूज़ आता है, सो फैमिली का भी एक टेंशन आ जाता है कि लाइक मतलब ये चीज़ फील में, बिकॉज हम तो इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं है, बट जब एक ऐसे राइड पे निकलते हैं, सो फैमिली का भी एक तो टेंशन आ जाता है, बिकॉज ऐसा ऐसा न्यूज़ आता है जब, सो वो चीज़ एक ही आपको मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये हो सकता है राइड में, ऐसा नहीं कि आपके साथ खाली अच्छा ही चीज़ हो, एक बुरा भी हो सकता है, बट उसमें आपको क्या मैटर करता है। सो जैसे आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि जत प्रभजोत जी का दोनों पैर का मतलब फ्रैक्चर हो गया, मतलब पैर उठा नहीं पा रहे हैं, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। सो इस बात को अभी आप लोग, बिकॉज आपका जब एक एक्सीडेंट होगा आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट इसका प्रिकॉशन आप क्या ले सकते हैं, ठीक है, आपको अभी प्रिकॉशन लेने का है तो आपको एक अच्छा राइडिंग गियर मैंडेटरी है, और आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि जत प्रभजोत जी ने पूरा राइडिंग जैकेट पहना हुआ है और जितना हो सके सेफ्टी मेजर लिया है, बट उसके बाद भी मतलब एक्सीडेंट के बाद डैमेज मतलब आपका पैर में लगा है। सो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि एक राइडिंग गियर बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रोटेक्शन कर पाता है, बिकॉज इफ़ आप लोग अभी ऐसा पकड़ लीजिए कि जत प्रभजोत जी का राइडिंग जैकेट या राइडिंग पैंट नहीं होता, तो ऐसा भी हो सकता था कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर भी हो सकता था। सो ये राइडिंग जैकेट होने के कारण क्या हुआ कि एक फ्रैक्चर हुआ, और ये सब फ्रैक्चर और ये सब का रिकवरी हो सकता है, बट जब एक राइडिंग गियर नहीं होता है तभी एक चीज़ होने से
एक मतलब एक एक्सीडेंट होने से आपको बहुत ज़्यादा, अभी जैसे आप लोग पकड़ लीजिए कि 50% डैमेज हुआ है मतलब बॉडी पे, जब आपका राइडिंग गियर नहीं होता है तभी आपका चांसेस है कि 90-100% आपको डैमेज हो सकता है फुल बॉडी में, बिकॉज आपके उधर कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। एटलीस्ट एक हेलमेट भी आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बचा सकता है। कि किसके कारण या एक्चुअल रीज़न क्या था आपका एक्सीडेंट का, बिकॉज किसी को भी पता नहीं है। सो अभी किसी को ब्लेम देने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, और आप लोग भी प्रे कर मतलब प्रे कीजिए कि जत प्रभजोत जी का जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। बिकॉज क्या होता है कि एक राइड पे जब ऐसा होता है सबसे ज़्यादा टेंशन होता है फैमिली वाले को, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जत प्रभजोत जी का फैमिली में कितना ज़्यादा टेंशन में है। बिकॉज एक चीज़ है कि आप लोग अभी इंडिया के अंदर ये इंसिडेंट नहीं हुआ, ये नेपाल के उधर ही हुआ था ये इंसिडेंट। सो इधर अभी हमारा इधर कुछ आप लोग बोल नहीं सकते। अभी आप लोग को पता भी होगा जो जो मतलब फॉलो करते हैं कि जत प्रभजोत भाई अभी नेपाल, और उनका आई गेस एक ऑपरेशन हो गया है सक्सेसफुली। लाइक नॉट एवरी वन, बहुत लोग है कि बहुत ख़राब ख़राब वीडियो बना रहे हैं। सो मैं वही एज ए राइडर एज ए ह्यूमन बींग मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे वीडियो मत बनाइए। बिकॉज ऐसा देखिए, अभी आज जत प्रभजोत भाई का हुआ है, कल आपका भी हो सकता है। सो किसी का एक्सीडेंट, किसी का ख़राब टाइम में उन लोग को आप लोग इफ़ हेल्प या सपोर्ट नहीं कर पाए तो एटलीस्ट कुछ ख़राब भी मत कीजिए, मेरा ऐसा मानना है। सो यही बात है, और मतलब जो हुआ मतलब ख़राब हुआ। सो दैट्स व्हाई भाई के साथ समीरन भाई भी गया था जो हमारा आसाम का एक यूट्यूबर है। सो आप लोग को इफ़ और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप लोग जाके समीरन भाई को भी मतलब समीरन भाई को आप लोग स्टोरीज पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो हर्ष पावा जी है वो भैया है, वो आपका डेली अपडेट देते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो अभी एक ही बात है कि लाइक आप लोग का प्रेयर, आप लोग दुआ कीजिए कि लाइक जत प्रभजोत जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बिकॉज मेरा मन था कि जब जत प्रभजोत जी आसाम आए थे मीट करने का, बट मेरा भी थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं जा पाया मीट करने के लिए जो गुवाहाटी में था। सो यही मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट बार जत प्रभजोत जी को हम बाइक पे ही देख पाए। सो यही बात से इस वीडियो को गाइस हम लोग एंड करते हैं, और जितना हो सके प्यार मतलब लव स्प्रेड कीजिए, हेट्रेड नहीं। सो टिल देन गाइस, बाय बाय, राइड सेफ एंड वेयर अ हेलमेट। बाय बाय एवरीवन।